नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से यथाशीघ्र प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में सबसे महत्वपूर्ण सूचनाएँ कुछ इस प्रकार से हैं। पहली सूचना निकल के आ रही है, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी सस्पेंड, एजेंसी का निदेशक गिरफ्तार। टीईटी प्रश्न पत्र लीक मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। पेपर की छपाई में गोपनीयता की अनदेखी की गई, जिसको ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार के द्वारा जो पीएनपी के प्राधिकारी महोदय हैं, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। और एजेंसी जिसने कि पेपर को छपाई का जिम्मा लिया था, उसके जो निदेशक हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि छात्र इससे संतुष्ट नहीं है। छात्र के साथ समस्या इस बात की है कि अगली जो वैकेंसी आनी थी वो आएगी भी कि नहीं आएगी, और आचार संहिता लग गई तो भर्ती लटक जाएगी। लगातार अभ्यर्थी इसके लिए प्रयासरत थे कि उनको एक नई भर्ती देखने को मिल जाए, एक भर्ती आ जाए प्राथमिक में, और अन्य भी भर्तियों के लिए लगातार रोजगार आंदोलन भी छात्र चला रहे थे, किंतु उसका लाभ उनको नहीं मिल पाएगा ऐसा लग रहा है। तो सरकार क्या करती है इसके पक्ष में, देखते हैं। और इन लोगों के अलावा बहुत सी गिरफ्तारियां भी हुई हैं, आप सभी जानते भी हैं, लेकिन उचित कार्रवाई अगर नहीं हुई तो फिर से इनका मनोबल बढ़ा रहेगा और फिर से वही काम करेंगे। देखिए, एक डिबेट भी कराई गई थी, उत्तराखंड का ये चैनल है, आप देखेंगे, शिक्षा विभाग भी सर्विस लांस की क्या व्यवस्था थी और क्या कराया गया। उसमें छात्र और सपा नेता के जो प्रवक्ता महोदय हैं, सपा हुए और बीएसपी के भी, ये सभी इकट्ठा हुए थे और इस पर काफ़ी चर्चा हुई। चैनल पर इसकी जो है सूचना दी जा रही थी। इसमें छात्र की जो व्यवस्था है, छात्र की जो परेशानियां हैं, उन सारी चीज़ें रखी गई थी। और कुल मिलाकर के बीएसपी के प्रवक्ता का मानना था कि समय रहते इसका काम पूरा कर लिया जाएगा। अब देखिए कैसे क्या होता है, जैसा भी होगा आपको चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। 5 माह में डगमगाया सचिव की कुर्सी, 5 माह में ही डगमगा गई, इसको लेकर के भी आज के समाचार पत्रों में है। जैसा कि इनके ऊपर आरोप लग गया, तो जो जूनियर की भर्ती हुई है उस पर भी संदेह जा रहा है। इसी वजह से छात्र काफ़ी नाराज हो रहे थे और यह भी मांग कर रहे थे कि जूनियर भर्ती को भी निरस्त किया जाए और परीक्षा पुनः कराई जाए, जैसा कि उसमें भी धांधली एक दो जगह पकड़ी गई थी। अगली जो सूचना निकल के आ रही है, रोजगार के लिए गर्जे अभ्यर्थी, 5 लाख रिक्त पदों को लेकर के तत्काल भरे जाने की मांग लगातार अभ्यर्थी उठा रहे हैं। आपको पता है रोजगार की मांग को लेकर के बेरोजगार युवाओं का आंदोलन थम नहीं रहा है। मंगलवार को युवा मंच ने बैनर तले युवाओं ने बालसद चौराहे पर प्रदर्शन कर सरकार से खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आदि से मिलने की भी बात छात्रों के द्वारा रखी गई, ताकि उनके संज्ञान में यह बात डाली जा सके। अगली बात करें 2016 के चयनित अभ्यर्थियों के लिए, तो कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको चयन के बाद भी नियुक्ति नहीं मिलना चाह रही है। इसमें कॉलेज आवंटन में गड़बड़ी कर दी गई है। जैसा कि लिखा है, स्नातक शिक्षक जो टीजीटी 2016 है, भर्ती अध्याचन पद पर चयनित होकर नियुक्ति के लिए कुछ शिक्षक पहुँचे तो विद्यालय में पद ही नहीं है। लौटकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पहुंचे तो बताया जाता है कि जिला विद्यालय निरीक्षक की ओर से भेजे गए अध्याचन के सापेक्ष संस्था को आवंटित की गई थी। अब इन दोनों के अध्याचन और इस तरह के मैटर में छात्र फंस रहा है, छात्र पिस रहा है, और उसको स्थान मिलेगा कि नहीं, यह एक समस्या बनी हुई है। आगे दिया है, RRC की वेबसाइट पर आज से करें आवेदन। खेल विभाग का कोटा होता है RRB में भी, आप जानते हैं, और उन्हीं से वैकेंसी आनी थी, तो खेल विभाग के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए कोटे के तहत वैकेंसी निकाल दी गई है, आज से ही उसमें आवेदन शुरू है। तो उसमें कई पोस्टें हैं और अलग अलग खेल के जो अभ्यर्थी हैं, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल, वे सारे इसमें जो है अपने आवेदन कर सकते हैं। अगली बात करें लोक सेवा आयोग की, तो लोक सेवा आयोग लगातार पिछले 2-3 नोटिस जारी कर चुका है RO की परीक्षा के लिए। आपको पता है 5 तारीख को RO की परीक्षा होनी है, जिसमें परीक्षा केंद्र को लेकर के आज कल फिर जो है एक नोटिस जारी की गई है, जिसमें गोरखपुर के 2 सेंटर चेंज किए गए हैं। देखिए, परीक्षा केंद्र कोड 31001
विश्व भारती इंटर कॉलेज को चेंज करके इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स जुबली टाकिज के पीछे बक्सीपुर गोरखपुर ये रख दिया गया है, एक सेंटर बना दिया गया है। उसी तरह से एक दो सेंटर और चेंज किए गए हैं, तो गोरखपुर के दो और मिर्ज़ापुर के एक सेंटर का में बदलाव किया गया है। देखिए गोरखपुर का जो दूसरा है विश्व भारती इंटर कॉलेज था इस्लामिया, इसको भेजा गया था। पहला है विश्व भारती इंटर कॉलेज में भी इस्लामिया भेजा गया था। वहीं देखिए के बी पी जी मुजफ्फरपुर मिर्ज़ापुर का जो है वो पंडित महादेव प्रसाद दुबे इंटर कॉलेज में भेजा गया है। तो आप इस सबको देख ध्यान दें और एडमिट कार्ड आप सावधानी से समय रहते निकालें और चेक करते रहें। इन्हीं सारी जो महत्वपूर्ण अपडेट है उन्हें सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।